डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की समरी का अध्ययन किया, और यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने इस आई बटन पे उसका लिंक दिया है, जिसे आप क्लिक करके जरूर देख ले और फिर इस वीडियो को देखे, ताकि क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चन आंसर के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर इन 20-30 वर्ड्स लिमिट वाले क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी। व्हाई डिड, क्यों साहिब्स फैमिली, साहिब का परिवार सेटल्ड, बस गया एट सीमापुरी, सीमापुरी में, यानी सीमापुरी नामक एक स्थान या इलाके में साहिब का परिवार क्यों बस गया। आंसर, साहिब्स फैमिली सेटल्ड एट सीमापुरी, साहिब का परिवार सेटल्ड, बस गया एट सीमापुरी, बिकॉज, क्योंकि देयर फील्ड एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे इन बांग्लादेश बाय स्टॉर्म, यानी उनके खेत और उनका घर वर स्वेप्ट अवे, बाहर ले गए थे इन बांग्लादेश में बाय स्टॉर्म, तूफानों द्वारा, यानी साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश में रहने वाले थे और वहां पर बार बार आने वाले तूफान के कारण उनके खेत खलियान नष्ट हो जाते, उनका घर हवा से उड़ जाते, इस कारण वे सीमापुरी नामक इलाके में आकर बस गए। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डज एनिस जंग प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम्स होलो। व्हाई डज, क्यों एनिस जंग्स प्रॉमिस, एनिस जंग का वादा टू ओपन स्कूल खोलने का सीम प्रतीत होता है होलो, खोखला, यानी एनिस जंग का एक स्कूल खोलने का वादा खोखला क्यों प्रतीत होता है। आंसर, एनिस जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम्स होलो, यानी एनिस जंग के स्कूल खोलने का वादा खोखला साबित होता है, बिकॉज, क्योंकि प्रोमिसेज लाइक हर, उसके जैसे वादे अबाउंड, भरे हैं, भरपूर हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लिक वर्ल्ड, इस नीरस संसार में, या इस नीरस संसार के प्रत्येक कोने में या हिस्से में, इन लाइफ ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के हिस्से में या जीवन में, लाइक साहिब जैसे, यानी साहिब जैसे बच्चे के जीवन में भरपूर इस प्रकार के वादे हैं जो कि उन सपनों को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए लेखिका एनिस जंग का भी ये वादा खोखला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, Why does the author describe Simapuri as miles away from Delhi? Why does, क्यों the author, लेखिका, describe, वर्णन करती है सीमापुरी इलाके को as miles away from Delhi, दिल्ली से मिलो दूर। Dear students, सीमापुरी दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है, उसका एक भाग है, लेकिन फिर भी दिल्ली से बहुत मिलो दूर, इस प्रकार से इसका वर्णन लेखिका क्यों करती है। आंसर, द ऑथर डिस्क्राइब्स सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी लेखिका है वो सीमापुरी को दिल्ली से मिलो दूर की रूप में वर्णन करती है या डिस्क्राइब करती है, बिकॉज, क्योंकि इट इज ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का एक परिधीय यानी बाहरी इलाका है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसका एक परिधीय बाहरी इलाका है, बट किंतु इट इज फार अवे फ्रॉम बेसिक एमिनिटीज, लेकिन फिर भी, यानी एक दिल्ली का हिस्सा होते हुए भी फार अवे, बहुत दूर है फ्रॉम बेसिक एमिनिटीज, आधारभूत सुविधाओं से, लाइक वॉटर, क्लीनलीनेस, ड्रेनेज सिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी दिल्ली का एक हिस्सा होने के बावजूद सीमापुरी बेसिक एमिनिटीज लाइक वाटर, क्लीनलीनेस, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिसिटी से बहुत दूर है, यानी वह ना तो पानी की व्यवस्था है, ना साफ सफाई है, ना नालियों गंदे पानी के निकास की व्यवस्था है, ना ही कोई बिजली या विद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, What does the author mean by the expression garbage to them is gold? Why does the author mean? यानी लेखिका का क्या तात्पर्य है या अर्थ है by the expression, इस अभिव्यक्ति या वक्तव्य से, garbage to them is gold, garbage यानी कचरा, to them उनके लिए is gold, सोना है, यानी garbage to them is gold, इस वक्तव्य से या इस सेंटेंस से लेखिका का क्या तात्पर्य है। आंसर,
द एक्सप्रेशन गार्बेज इज गार्बेज टू देम इज गोल्ड द ऑथर मीन्स, यानी इस एक्सप्रेशन से लेखिका का तात्पर्य है दैट गार्बेज इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी ये उन गरीब लोगों के लिए गार्बेज एक सर्वाइवल जीवन का साधन है, जीविका का एक मीन्स साधन है. इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोजमर्रा का भोजन है. एंड ए रूफ और छत है फॉर ओवर देयर हेड, उनके सिर का. यानी लेखिका का तात्पर्य है कि गरीब लोगों के लिए गार्बेज सोना है क्योंकि यही उनके लिए रोजमर्रा का जीवन है, यही उनके लिए रोटी है, यही उनके लिए छत है. यानी सब कुछ उनका जो जीवन चल रहा है वो कचरे पर ही चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज मीन्स, व्हाई डज द एक्सप्रेशन ये सॉरी व्हाट डज द एक्सप्रेशन ये जो अभिव्यक्ति है यानी सेंटेंस है, समटाइम्स आई फाउंड रुपीज इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे एक रुपया गार्बेज में मिलता है या मिलता, मीन्स इसका क्या तात्पर्य है. आंसर, द एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाउंड ए रुपीज इन गार्बेज मीन्स इसका तात्पर्य है दैट स्क्राउचिंग इन द गार्बेज, यानी कचरे में तलाश करना, गार्बेज डम कचरे के ढेर में तलाश करना, द रेक पिकर फाइंड सम इम्पोर्टेंट थिंग, कचरे उठाने वालों को कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिल जाती है लाइक ए रुपीज, एक रुपए के समान और मोर या उससे भी ज्यादा, विच हैव बीन थ्रोन विथ वेस्ट मटेरियल, जिनको वेस्ट मटेरियल के साथ फेंक दिया जाता है. यानी कचरे बीनने वाले लोगों को कभी कभी कचरे के ढेर में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जो कि किसी के द्वारा कचरा समझकर या कचरे के ढेर में वो महत्वपूर्ण वस्तु चली जाती है और वह वस्तु उन कचरे उठाने वाले लोगों के हाथ लग जाती है जो उनके लिए कभी कभी एक रुपया या उससे भी अधिक साबित होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज साहेब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, Why is साहेब क्यों not happy नहीं खुश है या खुश नहीं है working कार्य करते हुए at the tea stall चाय की दुकान पर, यानी चाय की दुकान पर साहेब काम करते हुए खुश क्यों नहीं है. Answer, साहेब is not happy working at the tea stall, साहेब चाय की दुकान पर कार्य करते हुए खुश नहीं है because क्योंकि He is no longer his own master. क्योंकि चाय की दुकान पर कार्य करते हुए वह अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, यानी अब अपनी उसकी मर्जी यहाँ पर नहीं चलती. He works for other. वह दूसरों के लिए कार्य करता है. For which जिसके लिए he is paid money. उसको पैसे दिए जाते हैं. यानी अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा. अब वह दूसरों के लिए कार्य करता है जिसके लिए उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं. He has lost his carefree look. और उसने ही यानी साहेब ने हैज लॉस्ट खो दिया है हिज केयर फ्री लुक, अपने निश्चिंता के भाव को. यानी जो कचरे उठाने में अपने आप को फ्री महसूस करता था, अपनी मर्जी का मालिक था, जब चाह तब जाता आता, मर्जी आती वो उठाता, अब वो उसकी मर्जी यहां पर बंद हो जाती है. कब? जब वो टी स्टॉल पर कार्य करता है. और जब टी स्टॉल पर कार्य करता है तो उसे अपने मन मुताबिक न काम करके दूसरों के लिए कार्य करना पड़ता है और यहां पर वो अपने खुद का मालिक नहीं रहा, इस कारण वो टी स्टॉल पर कार्य करते हुए खुश नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मुकेश एम्बिशंस, मुकेश का क्या एम्बिशंस लक्ष्य है, महत्वाकांक्षा है, कैन इट बी रियलाइज्ड, और क्या ये महसूस की जाती है. आंसर, मुकेश एम्बिशंस इज टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश का जो लक्ष्य है जो महत्वाकांक्षा है इज टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने का. ही आल्सो वांट टू ड्राइव ए कार, वो कार भी चलाना चाहता है. ही हैज ए विल, और उसकी इच्छा है टू ए वेंट विल टू गो ए गैरेज, कि वो एक गैरेज आएगा एंड लर्न और सीखेगा. यानी मुकेश की एक इच्छा है कि वो मोटर मैकेनिक बने, इसके लिए वो कार भी चलाना चाहता है, वो गैरेज भी जाना जाएगा. ये उसकी इच्छा है कि वो गैरेज जाएगा और वहां पर ये सीखेगा. क्वेश्चन नंबर 8, कैन ए गॉड गिवन लिनेज, क्या एक भगवान द्वारा प्रदत्त, गॉड गिवन यानी भगवान द्वारा प्रदत्त लिनेज यानी परंपरा, एक कार्य इवर बी ब्रोकन, तोड़ी जा सकती है, क्या भगवान द्वारा दिए गए किसी परंपरा को तोड़ा जा सकता है. वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो, मुकेश की दादी ने ऐसा
ऐसा क्यों कहती है? आंसर, मुकेश ग्रैंड मदर सेड सो, मुकेश की दादी ऐसा कहती है बिकॉज, क्योंकि पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स यानी कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करना इज द इनहेरिटेड बिजनेस, उनका एक पारंपरिक बिजनेस यानी व्यवसाय है, कार्य है, एंड इट कैन नॉट बी अबॉन्डेड और गिवन अप, और इसको नहीं त्याग सकते या छोड़ा जा सकता है, यानी ये जो उन्हें कार्य मिला है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुआ है और इस कार्य में वो इतने रम गए हैं कि इसके अलावा वो किसी दूसरे कार्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए दादी ने, मुकेश की दादी ने ऐसा कहा कि क्या भगवान द्वारा दिए गए कार्य को भी हम तोड़ सकते हैं क्या? यहाँ पर लास्ट लाइन में आया हुआ है अबॉन्डेंट का मतलब होता है त्याग करना और गिवन अप सेम सिमिलर वर्ड है, छोड़ना या त्याग करना। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, डिस्क्राइब वर्णन करें द हैजार्ड, हैजार्ड से हमारा तात्पर्य है खतरे से, डिस्क्राइब द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग कार्य करने के खतरे को इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, कांच की चूड़ी के उद्योग में, यानी कांच की चूड़ी के उद्योग में होने वाले खतरों का यह हमें वर्णन या उल्लेख करना है। आंसर, द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज आर, यानी ग्लास बैंगल इंडस्ट्री कांच की चूड़ियों के उद्योग में निम्नलिखित हैजार्ड्स यानी खतरे हैं। फर्स्ट, वर्क नियर द फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर, यानी यहां पर काम करने वाले लोगों को एक बहुत ही उच्च तापमान की भट्टी के पास कार्य करना पड़ता है, एंड वर्क इन डिंजी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, और उन्हें एक डिंजी सेल, एक छोटी सी, एक छोटे से कक्ष में, अंधकारमय कक्ष में कार्य करना पड़ता है विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के या किसी रोशनी के। क्वेश्चन नंबर 10, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट्स इन हर आईज, सी यानी कोई औरत के लिए आया है, सी वह स्टिल रखती है, हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट अपनी कलाई पर, यानी उसकी कलाई पर, हाथों की कलाई पर अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट्स इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। वाट डज एनी जंग इम्प्लाई बाय दिस स्टेटमेंट, वाट डज, क्या एनी जंग जो लेखिका है इम्प्लाई अर्थ लगाती है बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के द्वारा, यानी उसकी हाथों में कलाई में अभी भी चूड़िया है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, इससे लेखिका का क्या तात्पर्य है? आंसर, बाई दिस स्टेटमेंट यानी इस लाइन से एनी जंग इम्प्लाइज, एनी जंग ये अर्थ लगाती है दैट सी स्टिल हैज हर सुहाग यानी हस्बैंड, यानी हाथों में चूड़िया होने का तात्पर्य है कि उस औरत के हाथों में चूड़िया है यानी उसका पति, उसका सुहाग अभी भी है, जीवित है, बट किंतु सी वॉज अनेबल टू सी हिम, लेकिन वह उसे देखने में असमर्थ है, हिम यानी अपने पति को, एज सी वॉज सी हैज लॉस्ट हर आईसाइट, क्योंकि उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। यानी इस वक्तव्य से लेखिका का तात्पर्य है, अर्थ है कि बैंगल इंडस्ट्री में काम करते करते, अपना घर चलाते चलाते उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन अपनी सुहाग जो कि उस हाथों में पहनी हुई चूड़ियां जो कि सुहाग का सिंबल है, वो अभी भी जीवित है और अपनी उन अंधी आंखों से वो उसे नहीं देख पाती है। तो लेखिका का यहाँ बिल्कुल सिंपल तात्पर्य है कि उस महिला के हाथों में चूड़ियां है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, यानी हाथों में चूड़ियां होने का तात्पर्य है उसका सुहाग, उसका हस्बैंड अभी भी जीवित है लेकिन जीवित होने के बावजूद भी वह उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन, जब द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज, संगठित होने का प्रयास करते हैं फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, यानी फिरोजाबाद में जब बैंगल मेकर्स यानी चूड़िया बनाने वाले अपने आप को संगठित करने का प्रयास करते हैं या होने का प्रयास करते हैं तो उनके साथ क्या होता है? आंसर, व्हेन द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर राइट्स, जब बैंगल मेकर्स फिरोजाबाद में अपने अधिकारों के लिए संगठित होने का प्रयास करते हैं, दे विल बी होल्ड अप, तो उन्हें घसीटा जाता है, होल्ड अप से हमारा तात्पर्य है घसीटना, होल्ड अप बाई पुलिस, पुलिस द्वारा, दे विल बी बीटन, उन्हें पीटा जाता है, एंड ड्रैग्ड और घसीटा जाता है टू जेल,
जेल में फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत करने के कारण। यानी जब बेंगल मेकर्स फिरोजाबाद में अपने अधिकारों के लिए संगठित होने का प्रयास करते हैं, तब उन्हें पुलिस द्वारा घसीटा जाता है, पीटा जाता है और जेल में डाला जाता है कि उन्होंने संगठित होने जैसा उनकी नजर में इलीगल या अवैध कार्य किया है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम क्वेश्चन एंड आंसर इन 60-80 वर्ड्स का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम। यानी सीमापुरी नामक स्लम, गंदी बस्ती में उनकी लिविंग कंडीशन यानी रहने की दशा कैसी है, उसका हमें वर्णन करना है। आंसर, सीमापुरी इज ए स्लम एरिया ऑफ ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। यानी सीमापुरी एक गंदी बस्ती इलाका है जो कि दिल्ली के परिधि यानी बाहरी क्षेत्र में स्थित है। इट इज ए वाइल्डरनेस, ये एक निर्जन, एक जंगली जैसा स्थान है यानी जंगल जैसा स्थान है। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव्ड देयर, और करीब 10,000 रैग पिकर्स कचरे बीनने वाले यहाँ पर रहते हैं। पीपल, लोग हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो घुसपैठिए हैं यानी अवैध रूप से रह रहे हैं। यानी यहाँ पर रहने वाले लोग बेसिकली बांग्लादेश के रहने वाले हैं और वहां से यहाँ दिल्ली में अपनी आजीविका की तलाश में आए हैं। दे केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। लेखिका ने यह बताया है कि वे लोग जो यहाँ सीमापुरी जैसी सीमापुरी के गंदे इलाके में रहते हैं, वो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए। रेक पिकिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। रेक पिकिंग यानी कचरा उठाना या कचरा बीनना उनका मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय है। दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वे कच्चे घरों में रहते हैं। दे हैव रूफ ऑफ टिन एंड टारपुलिन, और उनके घरों की छत या तो टिन या टारपुलिन यानी त्रिपाल की बनी है। देर इज नो ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज, और वहां पर गंदे पानी निकास का कोई व्यवस्था या सिस्टम नहीं है। यानी कुल मिलाकर सीमापुरी इलाका है वो एक गंदी बस्ती का इलाका है, जहां पर जहां पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कचरा उठाना है, और ये लोग अवैध रूप से यहां रह रहे हैं क्योंकि ये बांग्लादेश के लोग हैं और यहां पर आकर बसे हैं। नंबर टू, मेंशन द सर्कमस्टेंस विच फोर्स द बेंगल मेकर्स टू लिव ए लाइफ ऑफ प्रीमियल स्टेट इन फिरोजाबाद। मेंशन द सर्कमस्टेंस, उन परिस्थितियों का उल्लेख करना विच फोर्स, जो मजबूर करती है द बेंगल मेकर्स, चूड़िया बनाने वालों को, टू लिव, रहने के लिए, ए लाइफ ऑफ प्रीमियल स्टेट्स, एक आदिम अवस्था के जीवन में या एक बहुत ही खराब जीवन की अवस्था में इन फिरोजाबाद में। यानी बेंगल मेकर्स जो फिरोजाबाद में एक बहुत ही खराब स्थिति में, दयनीय स्थिति में जो जीवन जीते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां जिनके कारण ये जीवन उनको मजबूर करता है, जीवन जीने को मजबूर करता है। आंसर, द सर्कमस्टेंसेस विच फोर्स द बेंगल मेकर्स टू लीव ऑफ प्रीमियल स्टेट्स आर, यानी वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां निम्नलिखित है। ए, कैच इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी वो गरीबी के जाल में फंसे हैं, यानी वे लोग अत्यंत गरीब है। बी, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे बॉर्न, यानी उनके ऊपर इस प्रकार की जाति में जन्म लेने का कलंक है, उसका बोझ है उनके सिर पर, जिसके कारण वे इन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। सी, फॉल इनटू द विशिष्ट सर्किल ऑफ मिडलमैन, वो दलालों के दुष्चक्र में फंसे हैं या पड़े हुए हैं। यानी वो किसी भी प्रकार से साहूकार है, अन्य प्रकार के मिडलमैन जो दलाल है, उनके दुष्चक्र में पड़ गए हैं। एंड नॉट ऑर्गेनाइज इन ए ग्रुप, और वे एक समूह में संगठित नहीं है। यानी एक तो वो गरीब है, दूसरा उन्होंने ऐसी जाति में जन्म लिया है, तीसरा दलालों के चक्कर में या उनके दुष्चक्र में फंसे हुए हैं और वे संगठित नहीं है, इस कारण वे एक बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन जीते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड मेंशन बाय एनी जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग। डिस्क्राइब, वर्णन करना है, द टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, दो प्रकार के संसार, मेंशन बाय, जो इसका उल्लेख किया है, बाय एनी जंग, लेखिका एनी जंग द्वारा, इन द लॉस्ट स्प्रिंग में। यानी इस चैप्टर में एनी जंग ने दो प्रकार के वर्ल्ड या संसार का उल्लेख किया है, उसके बारे में हमें स्पष्ट या डिस्क्राइब करना है। आंसर, इन लॉस्ट स्प्रिंग, व्हेन द ऑथर एनी जंग
इंटरेक्ट विद रेक पिकर एंड बैंगल मेकर्स, यानी इस चैप्टर में जब ऑथर एनी जंग रेक पिकर्स और बैंगल मेकर्स के साथ इंटरेक्ट या बातचीत करती है, उनसे मिलती है, सी सीज वह देखती है टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो एकदम स्पष्ट संसार को, पहला वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी एक वो परिवार जो कि गरीबी के जाल में फंसा है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट और जाति के कलंक का बोझ, इन विच दे आर बॉर्न, जिनमें उन्होंने जन्म लिया है, यानी पहला संसार उन्हें ऐसे परिवारों का दिखाई देता है जो गरीबी के जाल में फंसे हैं और जाति का कलंक का बोझ जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। द अदर जो दूसरा वर्ल्ड है, ए विशिशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, यानी साहूकारों का एक दुष्चक्र, द मिडल मैन दलालों का या मध्य में मध्यस्थ करने वाले लोग यानी दलालों का दुष्चक्र, द पुलिस मैन पुलिस का, द कीपर ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, एंड ब्यूरोक्रेट्स और अफसरशाही, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेताओं का। यानी जब लेखिका एनी जंग रेक पिकर और बैंगल मेकर के साथ इस प्रकार से इंटरेक्ट करती है, मिलती है, तो उसे दो प्रकार के संसार दिखाई देते हैं, एक गरीब लोगों के जीवन का संसार जिसमें वे लोग या उनका परिवार गरीबी में फंसा है, और उनके जाति का एक कलंक या बोझ जिनमें उन्होंने जन्म लिया है, तो दूसरा संसार उन्हें दलालों का, साहूकारों का, पुलिस का, कीपर ऑफ लॉज, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस का उन्हें संसार दिखाई देता है जो इनको लूटने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज ए पोटेंशियल थ्रेड टू लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ यू रीडिंग ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग, यानी इस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ने के बाद आप ये कैसे डिस्कस या विचार विमर्श करेंगे कि कैसे चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम है वो एक संभावित खतरा है टू लाइफ, जीवन के प्रति। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन है जिसको आपको इस चैप्टर के आधार पर अपने मन से लिखना होता है। तो कुल मिलाकर ये चाइल्ड लेबर के ऊपर हमसे पूछा है कि चाइल्ड लेबर आखिर होता क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। आंसर, चिल्ड्रंस आर द ट्रेजर ऑफ ए नेशन, चिल्ड्रन यानी बच्चे किसी राष्ट्र के या एक राष्ट्र के खजाने होते हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, वे दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, वे एक राष्ट्र के भविष्य होते हैं, बट किंतु ड्यू टू पॉवर्टी गरीबी के कारण सम चिल्ड्रन कुछ बच्चे अंगेज लग जाते हैं या व्यस्त रहते हैं इन चाइल्ड लेबर बाल श्रम में, इट हैज बिकम ए सिन और ये एक अभिशाप एक बुराई बन चुका है, इट इज ए क्राइम और ये एक अपराध है। यानी डियर स्टूडेंट्स, बच्चे किसी भी राष्ट्र के एक खजाने होते हैं, उस राष्ट्र के वो भविष्य होते हैं, लेकिन गरीबी के कारण कुछ बच्चे बाल श्रम में लग जाते हैं यानी बाल श्रम के कार्य में लग जाते हैं और ये एक अभिशाप बन चुका है और एक अपराध भी है। द एज बिटवीन 6 to 14 एंड अप टू 20 ईयर्स, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु या 20 वर्ष तक की आयु इज ए क्रूशियल टाइम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक निर्णायक समय होता है, इट इज टाइम, ये एक समय होता है व्हेन जब दे मेक देयर फ्यूचर बेटर, जब वे अपना भविष्य बेहतर बनाते हैं, यानी 6 से 14 और अप टू 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष तक का समय बच्चे अपने भविष्य को बेहतर बनाने में उपयोग ले सकते हैं, इट इज द टाइम, ये एक वो समय होता है व्हेन जब दे गिव ए न्यू डायरेक्शन टू देयर ड्रीम्स, जब वे अपने सपनों को एक नई डायरेक्शन एक नई दिशा देते हैं, इट इज द फाउंडेशन ऑफ देयर लाइफ और ये जीवन का उनका आधार होता है। यानी 6 से 14 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की आयु तक की आयु किसी भी बच्चे के जीवन का एक आधार है, ये जीवन का ये आधार या ये समय तय करता है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा। चाइल्ड लेबर हैज बिकम ए सोशल इश्यू, और चाइल्ड लेबर एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है, यानी कुछ बच्चे जब बाल श्रम गरीबी के कारण किसी कार्य में लग जाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, तो ऐसी स्थिति में ये एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है विच नीड टू बी सॉल्व, जिसको हल किया जाना आवश्यक है। इट इज नॉट ओनली गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ सरकार करेगी, हम कुछ नहीं कहेंगे। इट इज नॉट ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो दैट ऑफ एवरी सिटीजन, बल्कि ये जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है।
लेट्स चिल्ड्रन शुड एंजॉय देयर चाइल्डहुड, तो आए हम बच्चों को उनके बचपन को जीने दे, उनका आनंद लेने दे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार हमने लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।